हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लुक फॉर क्लास 5 मैथ्स चैप्टर नंबर 10 टेंस एंड हंड्रेड्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो आफ्टर कंप्लीटिंग द होल चैप्टर आई रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. लेट अस बिगिन विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन हियर सेज दैट Joy's height is 1 meter and 50 centimeter. In which of the following ways it can be written? So, यहाँ पे आपसे क्या बोल रहे हैं कि जॉय की जो हाइट है वो 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, उसको किस तरीके से लिखा जाएगा. यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं. अब देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. इट मीन्स 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर. सो इट कैन बी रिटन एज 1.50 मीटर्स. ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट वन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, हाउ मेनी 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इक्वल पीसेस कैन बी कट फ्रॉम स्ट्रिप. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि 6 मीटर एक लॉन्ग स्ट्रिप है आपके पास. ओके, इसमें से आपको पीसेस कट करने हैं. 30 सेंटीमीटर के आपको पीसेस कट करने हैं. 30 सेंटीमीटर लाइक दिस. ओके, सो हाउ मेनी पीसेस कैन बी कट फ्रॉम 6 मीटर लॉन्ग स्ट्रिप एंड ईच पीस शुड बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. नाउ वन इज़ इन सेंटीमीटर, अदर वन इज़ मीटर. तो आपको मीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा. सो 6 मीटर इज 600 सेंटीमीटर बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो 6 मीटर कितना हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर हो जाएगा. सो 6 मीटर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर अपॉन 30 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर कैंसल, डिवाइड करेंगे, 0 एंड 0 कैंसल. 3 वन ज़ा 3, 3 ट्वेंटी ज़ा 60. सो 20 पीसेस आपके कट हो जाएंगे. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, इसका मतलब 6 मीटर लॉन्ग स्ट्रिप में से 30 सेंटीमीटर वाले कितने पीसेस आपके निकलेंगे, 20 पीसेस. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, इफ द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल्स इज रुपीज 40, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 22 सच पेंसिल्स. ओके, सो हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन. सी, 10 पेंसिल्स आपकी क्या कॉस्ट है, 40 रुपीज. सो 22 पेंसिल्स की आपको कॉस्ट निकालनी है. ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी विल डू, दैट इज 22 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 10. 10 वन ज़ा 10, 10 फोर ज़ा 40. 22 मल्टीप्लाई 4, दैट इज 88 रुपीस इज द परफेक्ट आंसर. सो व्हाट इज द आंसर, 88 रुपीस. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, which of the following is not correct. Okay, so which of the following is not correct, here you have to see. So first one is 2.5 centimeter is equal to 2 centimeter 5 mm. This is right because centimeter or mm ka relation hota hai, theek hai. And 1 centimeter yani kitna hota hai, 10 mm hota hai. To aapka ye सही हो जाएगा, क्योंकि 5 mm कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 0.5 mm हो जाएगा. तो ये सही है. सेकंड में 2.5 रुपीस इज इक्वल टू 2 रुपीस 5 पैसा. सी दिस इज़ रॉन्ग, 5 पैसा नहीं, इट विल बी 50 पैसे. फाइन, लाइक सी 0.5 जो पैसे हैं उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज 1 रुपीज़ इज़ 100 पैसे. सो आपको यहाँ पे ऐसे देखना पड़ेगा कि 1 रुपीज़ में अगर 100 पैसे होते हैं तो 0.5 पैसे यानी कितने रुपीज़ हो जाएंगे. ओके, सो इट विल बी, और यू कैन सी 5 पैसे मतलब कितने रुपीज़ हो जाएंगे, ठीक है. सो 5 अपॉन 100 आ जाएगा आपका, यानी 0.05 आएगा. ओके, सो यहाँ पे 2.05 होता ना अगर, तो वो सही होता. तो यहाँ पे 5 पैसे हमारा वैलिड था. इसका मतलब इधर 2.5 यानी तो 50 पैसे हो जाएगा. 5 पैसे के लिए आपको यहाँ पे 0.05 होना ज़रूरी है. इसका मतलब हमारा यही एक्सप्रेशन गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2.5 नहीं,
2.05 होना चाहिए था, तब ये 5 पैसे सही है। अगर ये खाली 5 है तो इधर 50 होना चाहिए था, दोनों में से कुछ एक चेंज होना चाहिए था, या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड। थर्ड वन, 2.5 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, दिस इज़ परफेक्ट, ओके, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन, 5.2 रुपीज इज इक्वल टू डैश। सो सी, यहाँ पे 2 लिखा है तो 20 पैसे आया, तो वही हम यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 50 पैसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, तो दिस इज़ ओनली रॉन्ग। सो फोर्थ में योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर द MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 10। हियर आई हैव प्रोवाइडेड यू विद ऑल द आंसर्स। आई होप एवरीबडी एंजॉयड एंड लाइक द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। एल्स स्टे ट्यून्ड, share this video among your friends and subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching.